गांधी रामलीला मैदान पहुंचे हैं और रैली को संबोधित कर रहे हैं। डॉक्टर सीपी जोशी जी, मोहन प्रकाश जी, चंद्रेश कुमार जी, जितेंद्र सिंह जी, प्रताप सिंह जी, रमेश चंद मीना जी, राजेंद्र यादव जी, हरीश चौधरी जी, जुबेर खान जी, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सब लोग, प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ दिल से बहुत बहुत स्वागत। आज आपने एक शानदार प्रोग्राम जयपुर में किया। राजस्थान की जनता को देखा कि कांग्रेस पार्टी में कितनी शक्ति है और हमें राजस्थान की जनता का जो मूड है, युवाओं का मूड है, वो दिखने को मिला। काफी साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, NDA की सरकार है और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के लोग सरकार बनाते हैं, कैंपेन में बड़े बड़े वायदे करते हैं, देश को बदलने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने लिस्ट बना के हिंदुस्तान के सामने पड़ी थी, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल के दिखा दूंगा, याद है आपको? भूल गए? दो करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दूंगा। कैंपेन में बड़े बड़े वायदे करते हैं, देश को बदलने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने लिस्ट बना के हिंदुस्तान के सामने पड़ी थी, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल के दिखा दूंगा, याद है आपको? भूल गए? दो करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दूंगा। किसानों को सही दाम मिलेगा, महिलाओं की रक्षा होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हिंदुस्तान की सड़कों को साफ कर दूंगा, स्वच्छ भारत लिस्ट है। जेब से निकालते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। 56 इंच की छाती है, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। मगर जब 56 इंच की छाती के सामने पार्लियामेंट में राफेल हवाई जहाज की बात उठती है, जब उनके सामने भ्रष्टाचार के सवाल पूछे जाते हैं, तो 1.5 घंटे के भाषण में
राफेल हवाई जहाज के बारे में उनके मित्र बिजनेसमैन मित्र के बारे में या मेरे सवालों के जवाब को एक मिनट भी नहीं दिया। राफेल राजस्थान के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, जवान इस देश के लिए लड़ते हैं मरते हैं, युवा एयरफोर्स में जाना चाहता है, हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए जाना चाहता है। राफेल की कहानी आप सुनिए, यूपीए सरकार ने 126 हवाई जहाज के लिए डसॉल्ट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। ₹520 करोड़ एक हवाई जहाज के लिए, टोटल 126 हवाई जहाज। एचएल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। एचएल कंपनी सरकारी कंपनी है, 70 साल से हवाई जहाज बना रही है। जैगुआर हवाई जहाज, मिग हवाई जहाज, खोई हवाई जहाज, 70 साल से एयरफोर्स के लिए एचएल कंपनी हवाई जहाज बना रही है। हिंदुस्तान के लाखों युवा एचएल में काम करने का सपना देखते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर में जाने के लिए तरसते हैं। नरेंद्र मोदी जी आए, सीधे फ्रांस गए, उनके साथ अनिल अंबानी जी थे। फिर से दोहराता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, जब प्रधानमंत्री फ्रांस में थे, उनके डेलीगेशन में अनिल अंबानी जी गए थे। अनिल अंबानी जी के ऊपर ₹45,000 करोड़ का कर्जा है। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक हवाई जहाज नहीं बनाया है, डिफेंस का काम नहीं किया है, सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है, नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अब आप सुनिए, और राजस्थान का युवा आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि मैं चौकीदार की बात कर रहा हूं, देश के चौकीदार की बात कर रहा हूं। उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो 7 दिन पहले, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 7 दिन पहले कंपनी बनाई जाती है। एक हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 540 करोड़ दिया था। नए कॉन्ट्रैक्ट में नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं, डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं एक हवाई जहाज को 1600 करोड़ में खरीदा है। ₹1600 करोड़ में एक हवाई जहाज, दूसरी तरफ 540 करोड़ में, मतलब 3 गुना ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस की कंपनी को दिया, और फ्रांस की कंपनी ने नरेंद्र मोदी जी के मित्र को कॉन्ट्रैक्ट दिया।